कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन ये जो वीडियो दिखाया जा रहा है, ये वीडियो राजस्थान के रेगिस्तान के नहीं बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिले की मरनपुर प्रखंड अंतर्गत बनिया पंचायत के महादलित टोला सोनपुर गांव की है। 400 आबादी वाले महादलित टोले पर 2-3 चापाकल कई महीने से खराब हैं। गर्मी के मौसम में गाँव का भूजल स्तर नीचे चला गया है, जिसके कारण सोनपुर में रहने वाले लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। बताया जाता है कि गांव के अधिकांश लोग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पटनवा गांव स्थित ब्रह्म स्थान के पास से चापाकल से पानी लाने को विवश हैं। लोगों का कहना है कि महादलित टोले पर किसी का ध्यान नहीं है, जिसके कारण सोनपुर में रहने वाले लोगों को काफी कठिनाई हो रही है। ग्रामीण कलावती देवी, अनीता देवी, दुनिया देवी समेत अन्य लोगों ने बताया कि हम लोग दूसरे गांव पर जाकर सुबह शाम पानी लाते हैं। पानी की समस्या के कारण पशुओं को भी पालने में काफी दिक्कत होती है। अधिकांश लोग पानी की किल्लत के कारण पशुओं को बेच चुके हैं। जनप्रतिनिधि और प्रशासन के अधिकारी इस मामले में कोई सुध नहीं ले रहे। खाली तो कहे वोट से तुर के वोट दा वोट दा वोट वोट दे बैठी बाले बचे और ना हमें के कोई रोज रोजगार है। पानी वाले कहे कि पानी पिया तो पानी हमें क्या ना दे के या हां लेता तो छा तो चले छतन हमने ऐसा तोड़ पड़ी कि कोई हमने के विकास ना है या और ना पानी पिया के विकास है ना खर्चे बरचे के हमने के विकास है या हमने कौची से खाई या का करके खाई कौन बिजनेस करके खाई हमने कई तोड़ पर भूखले मर में बिहान है या कैसे गांव की तरह से लफा होता कल पानी नहीं मिला था तक हम अपन कर दे ली तो बाहर फन है कि या 2 किलोमीटर पर होते हो ना हाथ फिज फिज जाके बाल बच्चा के ले जाके और 4 दिन का पानी रखल पी थी। रात में कहाँ से पानी लाते हैं? रात में आना ही हम बारह फर साला ही पानी उसका के लेकर जाओ जो डर लगा तो आफा करूं डर लगा तो मर्दाना के ले जाही लेकर के लेकर जाही टॉर्च बाट लेकर जाई कि आप कहीं जाती चाहे साफा का से चाहे बीछा काटो। ग्रामीणों ने बताया कि चापाकल से पानी लेने के चक्कर में रोज झगड़ा होता है। महादलित टोले में पेयजल संकट के समाधान के लिए कोई संजीदा नहीं है। इससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल संकट से लोगों को निजात नहीं मिल रही। नहाने खाने से लेकर पीने के पानी तक के लिए लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने अधिकारियों से गुहार लगाई है कि जल्द ही महादलित टोला में पेयजल की व्यवस्था कराई जाए। इधर प्रखंड विकास अधिकारी कुमुद रंजन ने बताया कि मामला संज्ञान में नहीं है, उस गांव में पेयजल की दिक्कत तो है, जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ग्राम पंचायत बनिया सोंडी का निवासी हूं और ये गांव वार्ड नंबर 1 है। मैं जब अपने खेतों में सुबह टहलने के लिए आया तो यहां पाया कि मजदूरों के द्वारा बहुत दूर दूर से ऐसे पानी लाया जा रहा है। मैंने इन लोग का कारण पृथा पूछा तो पता चला कि यहां पर नल जल का पाइप सिर्फ बिछा दिया गया है और टोटल लोगों का आधार कार्ड लेकर बिलिंग भी पास कर लिया गया है। यहाँ पे सिर्फ गरीबों को शोषित किया गया है। आधार कार्ड लेकर हर एक लोगों से 1 फोटोकॉपी का 100 रुपया लिया गया है और 100 रुपया लेकर और सिर्फ पाइप बिछा कर और ठेकेदार यहाँ से चले गए हैं। इनको ब्लॉक से बिल भी पास हो गया है। ये मुख्यमंत्री के 7 नीचे योजना है। जो नेता आपने बड़े बड़े वादा करने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे आप लोगों का हर एक चीज करेंगे, एक सिंपल चीज देखिए, गरीब पानी के बिना तरस रहे हैं और यहाँ पे ठेकेदार सिर्फ इन लोगों के बीच पाइप बिछा कर और निकल गए और अपना बिलिंग भी पास कर। मैं BDO साहब से स्पेशल आग्रह करूंगा कि नेताओं के दबाव में ना आकर सिर्फ ऑफिस में ही देखें, हर एक पब्लिक के बीच आकर और इन लोगों का कारण देखकर तभी पास किया जाए। 7 नीचे मुख्यमंत्री योजना के तहत इन लोगों को सिर्फ नेताओं के द्वारा दबाव में बिल पहुंचा दिया जाता है। सर वहां कंप्लीट हुआ, आधार कार्ड ले आए और इन गरीबों को सोचित किया जाता है। इन लोग कब जाएंगे? मजदूर 8 बजे किस खेत में निकलते हैं और अभी इन लोगों को 11 बजे तक पानी नहीं मिला। ये सब गलत नीतियों के द्वारा आकर सिर्फ यहाँ नेतागिरी की जाती है। वोट दीजिए और शोषित का वोट लेकर शोषण किया जाता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।